नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सिलवासा नगर पालिका विस्तार में आई हुई पंचायत मार्केट में स्वर्गीय मोहन डेलकर के समर्थकों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी, जिसमें पुतला जलाने के मामले को लेकर हुआ हंगामा। मामले की गहनता को समझते हुए तत्काल दादरा नगर हवेली के SP हरेश्वर स्वामी पहुंचे पुलिस हेडक्वार्टर, मिलकर समर्थकों को तुरंत बुलाया अपने पास। मामले को शांत करा दिया गया है, आगे की कार्रवाई और जांच पड़ताल होगी दूसरे दिन सुबह। देखिए हमारा यह रिपोर्ट, क्या कहा समर्थक महिला ने एवं समर्थकों ने। आसपास की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
अंदर जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनका हम लोग उसमें सम्मान करते थे, उनको बोलते थे कि वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए हैं, आप लोग घबराइए मत, बराबर कि नहीं। जो बाहर से पुलिस आई थी हमारा हर मीटिंग में आप देखिए हम लोग उनके लिए अच्छा ही शब्द बोलते हैं। अच्छा। आज के मीटिंग में भी हमने कहा कि ये हमने हमसे बात करते हैं, हम कहते हैं हम आपके प्रोटेक्शन के लिए, आप लोग चिंता मत या प्रोटेस्ट कीजिए। और उनमें से एक आदमी आके एक महिला के सर के ऊपर हेलमेट से वार करता है, हेलमेट से वार डाला है। वो उसमें से एक आदमी आके आज जितने जवान ब्लू वर्दी में खड़े ना उनको शर्मसार कर दिया उस व्यक्ति ने। आज वो अपनी आंखों से गिर चुके हैं, झुक चुके हैं। यही संविधान कसम लेके आए थे ना, यही संविधान कसम लेके आए थे कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आप रक्षा कीजिए, नो डाउट। प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, रोकना आपका अधिकार है, लेकिन मारना अधिकार नहीं है। वो भी एक महीना से आंदोलन कर रहा है, वो घुटने हुआ एक महीना, वो भी आजा के इन लोग ने कर दिया, वो भी एक महिला को। आप कल्पना कर सकते हैं क्या किसी महिला को प्रोटेस्ट कर रही है आप उसके सर पे हेलमेट से वार करेंगे, आप वो लड़के के ऊपर उस महिला के ऊपर बाल्टी से वार करेंगे, आप केरोसिन डाल के एक मिनट पानी डाला है, केरोसिन का स्मेल है। इधर भी इसने ऐसे करके चिमटी मारा, कमर में मारा और लात भी मारा है। और केरोसिन डालने बाद क्या बोलते हैं, पानी था उनको पता नहीं क्योंकि वहाँ पे चिकन मुर्गी की दुकान है, वहाँ पे लकड़े जलाने के लिए केरोसिन का उपयोग किया जाता है। आज वो मैडम ने दीपिका भगत ने उनको एहसास नहीं था कि उन्होंने क्या डाला, तो उसके अंदर केरोसिन था। और आप स्मेल भी कर सकते हैं, यहाँ पर तीन लोगों के ऊपर उनका केरोसिन डाला हुआ है, तीन लोगों के ऊपर। आज मैं पूछना चाहता हूँ ये ब्लू वर्दी से खड़े ना, आप अपने मन से बताइए कि वो व्यक्ति ने गलत किया कि सही किया। आज इस व्यक्ति की वजह से आप लोग की रेपुटेशन फोर बदनाम हो गई कि आप लोग महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, आप महिलाओं के ऊपर हेलमेट से वार करते हैं, ये चलेगा क्या? नहीं गलत है। लोकतंत्र के अंदर नहीं चलेगा, लोकतंत्र के अंदर लोग बड़े होते हैं, तंत्र बड़ा नहीं होता। हम लोग 70 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं सलूट करना चाहता हूँ हमारे सीली के जो इंचार्ज थे सोनू दुबे जी, मैं रिस्पेक्ट से करना चाहता हूँ क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इतनी बड़ी गैदरिंग हुई, उस बंदे ने पूरा मैनेज किया, हाथ नहीं किसके ऊपर उठाया। आज ये छोटी सी बस्ती इंदिरा नगर, कितना बस्ती था, ज्यादा लोग भी नहीं थे, 300 लोग में कोई आदमी प्रोटेस्ट करना चाहता है, कोई पुतला दहन करा, हमने पुतला जलाने का प्लान नहीं, हमारा पुतला लहराने का प्लान था, लेकिन उन्होंने रोका। आज सोचिए वो एसडीपीओ पहली बार किसी प्रोटेस्ट के नाम था, उसने ऑर्डर दिया मारो इन लोग को, मारो। और मारने क्या था, ये महिला के सर पे हेलमेट से मार और जल्दी से जलाओ इन लोग को बोलता है, ये नहीं चलेगा। इसके लिए आने वाले समय में आप लोग को इसलिए मैं ब्रीफ कर रहा हूँ कि उल्टा हमारे पे ही केस किया जाएगा, उल्टा हमारे पे ही केस किया जाएगा, उल्टा 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 ये प्रोटेस्ट है, इनका हाथ कम, ये देखिए हाथ निकल, इधर भी मारा है, हेलमेट से सर पे भी मारा है, इतना लात भी मारा है, प्लस बाल्टी से भी उसने मुझे मारा। पहले उसने हाथ पकड़ा, हाथ में चिमटी मार के उसने ऐसे करके नोच के इसने ऐसा किया, जब मैंने हाथ छुड़ाया तभी जाके उसने हेलमेट पानी डाला, पानी नहीं केरोसिन डाला, तो बोला पानी डाल रहे करके, ऐसे करके पूरा पानी डाले, पूरा गिल्ला है जींस, ये कपड़ा भी मेरा पूरा गिल्ला है। उसके बाद उसने हेलमेट से मुझे मारा, हेलमेट से मारने के बाद जब मैंने उसको वो धक्का मारा,
दो बोल रहे हैं कि नहीं लग गया करके वो पीछे ऐसे बोल के वो निकल गए। कौन से अधिकारी वहाँ पे थे आप जान रही है? पहचान? हाँ मैं पहचानती हूँ, मैं पहचानती हूँ, वीडियो भी है और मैंने उसको कुछ भी नहीं किया था। जस्ट मैं उसके सामने से गई और हम लोग पुतला ही जला रहे थे, हम कोई जिंदा इंसान को तो जला नहीं रहे थे। हम लोग अच्छे से लेके आ रहे थे, लोग सब लोग टूट पड़े जैसे कि हम लोग कोई असली इंसान को मुर्दे को उन लोग को लाके जला रहे, वैसे करके इन लोग ने जिसको पकड़ने का है पकड़ने का आज इतने दिन से ज्यादा ऐसा हुआ है, इन लोग FIR फाड़ा है, इन लोग नहीं निकल रहे, नौ आदमी घूम रहे, दुनिया घूम रहा है। मीडिया को तो जाने दो भैया, अभी ठीक है।